साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें, वो भी आसान तरीका में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक में जो फॉर्म भरने में जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है वो बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यह बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, जैसे पीई का जो आता है, पीपीएम का आता है, तो वो कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, यह सभी बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्रोम ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप क्रोम ब्राउजर में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर में आ जाए। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद सबसे पहले सर्च में आप BCEC, सबसे पहले आप सर्च में जाने के बाद, एक मिनट, सर्च वॉल्यूम में आने के बाद यहाँ पर देखिए, हम पहले से हम लिख चुके हैं, फिर भी कोई नहीं, आपके साथ हम लिखते हैं। देखिए BCECE इतना लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे एक नंबर पर आएगा उसे हमें सर्च करना है। देखिए यहाँ पर जो एक नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर जो BCECE बोर्ड बिहार .government.in पर, उस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो एक बार हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो दिखेगा, देखिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पार्षद, देखिए बिहार BCEC जो बोर्ड है वो बहुत सारे एग्जामों को कंडक्ट कराती है, जैसे में एग्रीकल्चर की कराती है, पैरामेडिकल की कराती है, इंस्टीट्यूट की कराती है, प्रोफेशनल कोर्सों को कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने के लिए चलिए, हमें अपना पॉलिटेक्निक के लिए कौन सा फाइल में जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है DCECE, जो यहाँ पर लिखा हुआ है DCECE, हमें वहाँ पे क्लिक करना है। DCECE थोड़ा सा अर्जुम कर लेते हैं, DCECE पर क्लिक कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडवाइजमेंट। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक मिनट आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है हरा रंग से, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम DCECE PEPPE PMPPM 2022 एडवांस नंबर BCECE BDCE 2022 डेट 8/5/2022। मतलब यह जो फॉर्म जो रिलीज कर दी गई है DCECE BCECE के द्वारा 8 तारीख को, यानी कि 8 मई को ही रिलीज कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करना है क्या कि कैसे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, द फॉर्म भरने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, पहले हमें यह एक PDF प्रोवाइड करवाता है इसे इंस्ट्रक्शन समझने के लिए। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद चलिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। उसके बाद इसमें जो क्या लिखा हुआ है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पार्षद, देखिए दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस, उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए BCEC बोर्ड .bihar.government.in को ये जो रिलीज कर दी गई है, यह PDF 8/8/2022 को। ठीक है दोस्तों, जो BCEC बोर्ड है वो कौन कौन से कोर्स कराते हैं, तो वो कोर्स कराती है PE का PPE का PM का PPM का PM का और PMM का। ठीक है दोस्तों, PE का PPE का PM का और PPM का, यह चारों कोर्स BCEC बोर्ड द्वारा कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, चलिए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि 15 मई 2022 से लेकर अंतिम तिथि 7 जून 2022 तक दी गई है, निर्धारित है दोस्तों, निर्धारित DCEC द्वारा आयोजित करने की तिथि बताई गई है। तो मतलब जो यह फॉर्म भराएगा
पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का वो जो फॉर्म है वो 15 मई से भरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज से वो फॉर्म नहीं भराएगा, मतलब 11 तारीख आज है और 15 से फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 12 13 14 और 15 मात्र 4 दिन बचा हुआ है, मात्र 4 दिन बचा हुआ है, 4 दिन वेट कीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से हम आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में जो फॉर्म भरेंगे उसमें फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स आप जान लें अभी और रेडी कर लें, अगर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो रेडी आप कर लें। ठीक है दोस्तों, तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है आधार कार्ड लगेगा आपका। दूसरा आपका लगेगा मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। तीसरा नंबर आपका ईमेल लगेगा, ईमेल आईडी। चौथा नंबर में आपका लगेगा मोबाइल नंबर। पांचवा नंबर पर लगेगा अगर आप बारहवीं पास किए हुए हैं तो आपका लगेगा, अगर आप बारहवीं पास किए हुए हैं तो आपको भी बारहवीं का मार्कशीट लगेगा। देखिए क्या क्या फॉर्म लगेगा एक बार फिर से समझ लीजिए, बिहार पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डेंटल पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, यह सभी फॉर्म भरने के लिए आपको कम 7-6 डॉक्यूमेंट्स की जरूरी है। कौन कौन? सबसे पहले एक नंबर आपका मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा फोटो, चौथा मार्कशीट, पांचवा मार्कशीट के बाद ईमेल आईडी, पांच छठा हो गया आपका। ठीक है, इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रखना है। अब बात करते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक को फॉर्म भरने में कितना चार्ज लगेगा। देखिए अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा ₹750, कितना लगेगा ₹750 दोस्तों एक फॉर्म भरने का। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको ₹750 लगेंगे, वही अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको ₹250 लगेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ₹250 आपको लगेगा एससी एसटी से हैं तो, को सिर्फ एक फॉर्म का, पीई का भरे तब या पीपीएम का भरे तब, दो फॉर्म भरिएगा तो आपको, देखिए अगर पीई पीपीई पीपीएम और पीएमएम अगर ये चारों फॉर्म भरते हैं तो आपको ₹1,050 लगेगा। कैसे? देखिए एक फॉर्म भरने वाले के लिए जनरल ओबीसी के लिए बोल रहे हैं, जनरल ओबीसी का फॉर्म अगर आप भरिएगा जनरल और ओबीसी का तो एक फॉर्म का चार्ज है ₹750। जैसे ही दूसरा फॉर्म भरिएगा ₹100 उसमें ऐड कर दीजिए, जैसे ही तीसरा फॉर्म भरिएगा उसमें फिर ₹100 ऐड कर दीजिए, मतलब पहला फॉर्म भरिएगा ₹750, दूसरा फॉर्म भरिएगा तो ₹100 और ऐड कर दीजिए, ₹750 + ₹100 मतलब ₹850, फिर एक और फॉर्म भरिएगा तो ₹850 + ₹100 ₹950, फिर एक और फॉर्म भरिएगा तो ₹950 + ₹100 मतलब ₹1,050 आपको लग जाएंगे, मतलब चार फॉर्म भरने के लिए आपको ₹1,050 लगेंगे। हम तो आपको यही बताएंगे अगर आप बारहवीं पास किए हुए हैं तो चारों फॉर्म का अप्लाई कर दें, आराम से आप चारों फॉर्म का अप्लाई कर दें, किसी न किसी में आपका सिलेक्शन होना तय है। जी हाँ दोस्तों, बात करें सिलेबस की तो सिलेबस के लिए एक प्रॉपर वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम आपका सब अलग, सब दिन अलग। बहुत बच्चे बात करते हैं कि सर ये चारों फॉर्म भरने के बाद एग्जाम अलग अलग दिन होगा या साथ एक ही दिन हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों एग्जाम अलग अलग दिन हो जाता है, एग्जाम जो है आपका अलग अलग होगा। अगर आप पीई का फॉर्म भरे हैं तो पीई का आज क्या तारीख है, मान लीजिए आज 11 तारीख है ना, तो मान लीजिए 12 का अगर पीई हुआ तो आपको 13 को होगा पीपीई, 14 का होगा पीएम, 15 का होगा पीपीएम, इस तरह से आपका होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, एक बार आपको फिर से हम समझा देते हैं शॉर्ट समरी में। देखिए बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो एक फॉर्म का ₹750 है, चारों फॉर्म भरिएगा आपको तो ₹1,050 लगेगा। ठीक है, जनरल और ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससी एसटी में है आप तो एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में आपको लगेंगे ₹250, चार फॉर्म भरेंगे तो आपका ₹100 उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा बिहार पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने में, तो डॉक्यूमेंट्स लगेगा पहला ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर, तीसरा एक फोटो पासपोर्ट साइज फोटो, चौथा मार्कशीट, पांचवा आपका ये
ये पाँचवा आपका लग जाएगा क्या, मार्कशीट के साथ साथ ये एडमिट कार्ड लग जाएगा, ये ट्वेल्थ का मार्कशीट लग जाएगा, और एक ईमेल आईडी बता ही दिए, मोबाइल नंबर बता दिए, पासपोर्ट साइज बता दिए, हाँ छठा सिग्नेचर आपका लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये छह चीज आपका अवेलेबल होना चाहिए आप सभी का, उम्मीद है कि आप लोगों का अवेलेबल होगा ही। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी द्वारा बताई गई बातें अच्छी से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अच्छा, हम बताएंगे आपको कि बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने 2020 में ही एग्ज़ाम दिया था, तो हमें पता है कि इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीका से, तो बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए आपको सोचना नहीं है, हम आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक कि जय हिंद जय भारत।